तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। बहुत ही समस्या मतलब बहुत ही बड़ी होती है, अगर ये समस्या आ गई तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है डीजे बजाने में। तो दोस्तों स्पेशली ये वीडियो स्किप मत करना, इसमें बहुत से आपको यूज़फुल टिप्स देने वाला हूँ। और ये जो आप देख सकते हैं 500 वाट है, ये 500 वाट नहीं बल्कि हर एक एम्पलीफायर में लागू होती है जो चाइना के एम्पलीफायर आती हैं। तो दोस्तों चाइना के एम्पलीफायर का आपको एक मैं सबसे बड़ा रीज़न बता देता हूँ, इसमें क्या कमी होती है और इसकी क्या खासियत होती है, मैं आपको हर एक चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टेंजर के 500 वाट एम्पलीफायर है। दोस्तों आपने कभी बार देखा होगा कि जो आप कनेक्शन करते हैं, मान लीजिए जैसे ये हमने कनेक्शन कर रखा है यहाँ से 2 ओम से और कॉमन ओम से, तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आवाज़ फट के आती है हमारी। अब दोस्तों रीज़न क्या होता है आवाज़ फट के आने का, मैं उसका भी रीज़न बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये सबसे पहले बात तो आपको इसमें 2 ओम और 4 ओम का सपोर्ट आता है, पहला तो ये रीज़न होता है। दूसरा आपके स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्पीकर कितने ओम के लगे। मान लीजिए जैसे ये मेरा 1/12 का कनेक्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं एक स्पीकर आपका 8 ओम का है, मतलब 1, 2, 3, 4 मतलब 4 स्पीकर आपके 8 ओम के 8-8 ओम के हैं। दोस्तों इस एम्पलीफायर में सिर्फ 2 ओम सपोर्ट करता है, 4 ओम सपोर्ट करता है। तो दोस्तों स्पेशली आपको करना क्या है कि जितने भी 8 ओम के हों या कोई भी स्पीकर आपका ओम नहीं पता, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ओम से स्पीकर रन कराना है। पहला चाइना के एम्पलीफायर में आप देख सकते हैं ये चाइना है, हम इसको इंडिया बोलें कुछ भी बोलें लेकिन हमारे लिए ये चाइना है। आपको समझाने के लिए एक चाइना के तरीके में बात करूं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये होगा, अगर आपके स्पीकर नहीं पता कि आपको कितने ओम के हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको जो कनेक्शन होगा वो आपका माइनस का कॉमन में होगा और प्लस का आपका 2 ओम पे होगा। अगर आप प्रोग्राम कराते हैं या भजन कीर्तन है भागवत है, तो आप यहाँ इसका 2 ओम को उठा कर कनेक्शन आप 4 ओम में करेंगे। दूसरा जो आवाज़ दोस्तों फटती है वो भी आपको रीज़न बता दूँ। दोस्तों क्या होता है ना, ये हमारे कभी कभी लूज होते हैं, पहला स्टेप होता है ये हमारे कभी कभी लूज होते हैं, जो सबसे ज़्यादा आवाज़ फट जाती है वो लूज होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये एम्पलीफायर आपको ऐसे पूरी ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद एक यहाँ पे किसी चीज़ से पकड़ लेना है। और दूसरा जो आपके ये नट लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं नट लगे हुए आपको दोस्तों 10 नंबर का स्क्रू लगा हुआ है, आप उसको मतलब 10 नंबर के रिंच से आप इसको टाइट कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा आपको इसका एक और चीज़ मैं रीज़न बता दूं, दोस्तों अगर आपको चेक करना है कि आपके कैपेसिटर कमज़ोर है या नहीं, दोस्तों आपको वहां से प्लग कर देना है। प्लग करने के बाद आपको एक बार एम्पलीफायर आपको चालू करनी है, चालू करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपके कैपेसिटर पावरफुल है कि नहीं। चलिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। दोस्तों क्या होगा, आपको एक बार एम्पलीफायर यहाँ से आपको दोस्तों ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये चालू किया, अब देख सकते हैं ये एम्पलीफायर आपकी चालू हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ से एम्पलीफायर को आपको बंद कर देना। अब आपको कोई भी प्लस लेना कोई भी लेना, यहाँ पर आपको दोनों कैपेसिटर में से आपको दोस्तों ये थोड़ा सा कम वो है, दोस्तों आपको यहाँ पे स्पार्क कराना। अगर आपका स्पार्क करने पे कैपेसिटर अच्छा रिस्पांस दे रहा तो आपका कैपेसिटर दोस्तों वहाँ से आपको पहले बात तो आपको यहाँ बटन चालू करने के बाद चालू करेंगे, फिर बाद बंद कर देंगे, वहाँ से आपको प्लग निकाल देना। प्लग निकाल आपको दोनों वायर टच कराने, अगर स्पार्क अच्छा होता है, अगर स्पार्क अच्छा कर रहा है तो आपका कैपेसिटर बहुत ही पावरफुल है, अगर स्पार्क नहीं अच्छे से कर रहा है तो दोस्तों आपको कैपेसिटर चेंज करने की जरूरत है, वरना आपको एम्पलीफायर बीच में धोखा दे देगी। दोस्तों ये है कुछ इसके एम्पलीफायर को तरीके मैंने बताया। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, कमेंट करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछेगा। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर चैनल नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय श्री राम। और कमेंट में दोस्तों जय श्री राम जरूर लिखना।